माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो देखिए, अब तक इस चैप्टर में हम क्या क्या कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लगभग सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को छोड़कर। और कर क्या क्या चुके हैं, जो हम जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी थ्योरी थी, सब हमने पढ़ लिए, सारे फार्मूलाज हमने देख लिए हैं, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर के, वो सब भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया है। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं कराई है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है किस तरीके से उसको अप्रोच लगाएंगे। और अप्रोच ही ज़रूरी है, कैलकुलेशन आपको अपना आप करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप एग्ज़ाम में मात नहीं खाएंगे। क्योंकि स्पून फीडिंग तो हम कराते हैं, लेकिन इस तरीके से कराते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम में मार्क्स फीड कर जाए, पूरी तरीके से स्कोर कर जाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगभग इसमें 40 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, तो 10-10 क्वेश्चंस का हम टारगेट लेके चलेंगे। इस तरीके से आपके 4 लेक्चर्स में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का एक लेक्चर और आने वाले 3 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर सॉल्यूशन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये आपको चैप्टर कराया है, और ये अच्छी तरीके से फिनिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस ऊपर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, वो देख लीजिएगा आप। और मैं यहाँ से क्वेश्चंस मोबाइल में देख लेता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली ईच टाइप विद एन एग्जांपल। कह रहा है कि टर्म सॉल्यूशन बताइए। बता देंगे टर्म सॉल्यूशन क्या होती है, हमने आपको लेक्चर में पढ़ा रखी है। क्या होती है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बता देंगे 9 टाइप्स के सॉल्यूशन, उनके एग्जांपल भी बता देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में स्टडी कराया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, गिवन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। ध्यान से पढ़िए इसको, सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का नाम किसके नेम पे रखा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था, वो रखा जाता है सॉल्वेंट के नेम पे। तो सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब सॉलिड जो है हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। और विच द इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस, और खुद बता रहा है कि सॉल्यूट हमारी गैस है, मतलब सॉलिड में गैस डिजॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन H2 गैस ऑन पैलेडियम, ये आपको मैंने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज। इन चारों को डिफाइन कर देंगे, इनकी डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद इनके फॉर्मूलाज भी वहाँ पर मेंशन कर देंगे। यही इस क्वेश्चन में करना था, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है, बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, वही सेम चीज़ इस क्वेश्चन में करनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग होती है, जो कि आपको अप्रोच बताएंगे किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो आपका न्यूमेरिकल है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई एक्वस सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमारा लेबोरेटरी वर्क में यूज़ होता है, जिसमें कि 68% हमारा नाइट्रिक एसिड होता है एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब कहने का क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 जो है हमारा नाइट्रिक एसिड है। अब ये कह रहा है कि हमारा कितना परसेंट दे रखा है, ये दे रखा है 68% किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या है, मेरा टोटल सॉल्यूशन कितने परसेंट होगा, 100% होगा, जिसमें 68% मेरा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो इससे मैं अगर परसेंटेज हटा दूँ, परसेंटेज की जगह ग्राम लगा दूँ, तो मेरा मास ऑफ, अगर मैं देखूँ जो हमारा मास है, मतलब वेट है, वेट HNO3 मेरा कितना हो जाएगा, 68 ग्राम, कितना हो जाएगा 68 ग्राम। और वेट मेरा वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन में है, तो मेरा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर का हमारा वेट कितना हो जाएगा, वाटर का वेट हो जाएगा मेरा 100, तो मेरा टोटल सॉल्यूशन था 100 में से 68 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 32 ग्राम आपका वाटर का वेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, इतनी दे रखी है आपको, डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको कितनी दे रखी है, 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स।
इतनी आपको डेंसिटी दे रखी है। तो ये कह रहा है कि आपकी मोलैरिटी बतानी है, इसमें क्या बतानी है, मोलैरिटी आपकी फाइंड करनी है। तो देखिए मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एन अपॉन वी लीटर में ये हो जाएगा। तो देखिए डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी से हमारी वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मतलब वेट अपॉन मास अपॉन मोलर मास, या फिर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वेट हमारा सॉल्यूट का कितना है, हमारा 68 ग्राम हमने निकाल लिया है, और इसका मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। HNO3 का मेरा मोलर मास कितना हो जाएगा, H का मतलब 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 3, कितना आ जाएगा मेरा 15 प्लस 16 3 जा कितना होता है, 16 3 जा होता है आपका 48, कितना आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन बी कितना आ जाएगा हमारा, मास अपॉन मोलर मास, या फिर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, कितना आ जाएगा वेट कितना है 68 अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना है मेरा 63, जितना भी आएगा कैलकुलेट करके आप यहाँ पे एन बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बची किसकी बात, वॉल्यूम की बात बची, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी भाई, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, एक बात बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका है, मास सॉल्यूशन का है, ये ध्यान रखना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऊपर ले आओ डेंसिटी नीचे, तो वी क्या हो जाएगा मेरा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हो सकता है। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास तो मेरा 100% था सॉल्यूशन का भाई, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं लूंगा तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ही तो इंक्लूड करना पड़ेगा, जो हमने कितना माना था 100% मतलब 100 ग्राम माना था, तो 100 अपॉन कितना आ गया, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.504, ये हमारी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, ये हमारी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई, दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा अगर कैलकुलेट करने के बाद आपको क्रॉस चेक करना हो तो इस पूरे सॉल्यूशन की मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको सॉलिड स्टेट की पूरी एक एक एनसीईआरटी के इंटेक्स की क्वेश्चन की सॉल्व करी हुई पीडीएफ आपको वहाँ पर सेंड कर दी थी, एक्सरसाइज क्वेश्चन की भी सेंड कर दी थी, और सॉल्यूशन का जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसकी मैं सेंड कर चुका हूँ, इसकी भी सेंड आज आपको कर दूंगा मैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये करना था हमको, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वैल्यू लिखनी होती है जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद देखना होता है कि निकलवा क्या रहा है, उसके बाद सिर्फ आपको अप्रोच लगानी होती है कि किस क्या फॉर्मूला लगाना है और किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट। तो ये 10% कह रहा है सॉल्यूशन ग्लूकोज का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये कितना दे रखा है 10% दे रखा है। What should be the molarity and mole fraction of each component in the solution? हर एक component का क्या निकालना है हमें, molality कह रहा है ये, और उसके बाद क्या निकालना है हमें, mole fraction भी हमें हर एक component का निकालना है। If the density of the solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, ये कह रहा है अगर हमारी डेंसिटी कितनी हो जाती है, डेंसिटी हमारी कितनी हो जाती है 1.2 ग्राम लीटर इनवर्स आपकी डेंसिटी हो जाती है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी फिर। तो देखिए सभी कुछ तो इसने निकलवा लिया है, मोलैरिटी भी, मोल फ्रैक्शन भी और मोलैरिटी भी। तो देखिए किस तरीके से इसको करना है, 10% हमारा वाटर में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट तो हमारा ये हो गया और सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, मतलब H2O। जब ये 10% है तो हमारा वाटर कितना परसेंट बचा होगा, 90%, तो इसका परसेंटेज हटा के ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ग्लूकोज का मेरा WC6H12O6 मेरा कितना आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। अगर मैं इसके मोलर मॉलिकुलर मास की बात करूं, जो हमारा M से डिनोट करते हैं हम C6H12O6,
O6 इसका कितना आ जाएगा, C6 मतलब 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 12। ये आपका C6H12O6। तो हाइड्रोजन जो हमारा ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 हो जाएगा। जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ग्लूकोज का होता है हमारा 180 ग्राम पर मोल, इतना आपका ग्लूकोज का मोलर मास होता है। अब आइए सॉल्वेंट पे, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूट का। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ, WH2O कितना दे रखा है, मतलब मास ऑफ या फिर वेट ऑफ H2O कितना दे रखा है हमारा 90%, मतलब 90 ग्राम। अब मोलर मास आपको पता है H2O कितना होता है, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 18 होता है, ठीक है। कुछ मोलर मास तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जैसे वाटर का हो गया, ग्लूकोज का हो गया, सुक्रोज का हो गया, ये आपके मोलर मास बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। तो हमारा क्या होता है H2O का 18 होता है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहले मोलेलिटी निकालना है। अब मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा मोलेलिटी, अगर मैं निकालना हूँ स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, मतलब 10 अपॉन 180, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है हमारा H2O, इसका मास कितना है 90। अगर मैं इसको, ये ग्राम में है, अगर मैं केजी में इसको कन्वर्ट करूँ तो मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ग्राम से केजी में जा रहे हैं तो छोटी वाली से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किससे होगा 1000 से, तो 90 अपॉन 1000 ये आ गया मेरा केजी में। तो ये आ गई मेरी मोलेलिटी, यहाँ से हम मोलेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आई मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकाल रहा हूँ C6H12O6, इसका अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब सारे कंपोनेंट के टोटल मोल्स। तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे मेरे, वही 10 अपॉन 180, क्योंकि इसका वेट क्या है हमारा ग्लूकोज का 10 ग्राम, मतलब देखिए ऐसा हो जाएगा ये NC6H12O6 अपॉन NC6H12O6 प्लस NH2O। अब आ रही है बात समझ में कुछ, N का फॉर्मूला खोल दीजिए, N क्या होता है मास अपॉन मोलर मास या फिर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट क्या है 10 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा इसका 180, कितना आ गया हमारा, कितना रखेंगे 10 अपॉन 180 अपॉन कितना आएगा 10 अपॉन 180, और वाटर का क्या आ जाएगा मेरा 90 अपॉन 18। इस तरीके से ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ग्लूकोज के लिए। फिर मोल फ्रैक्शन इसी तरीके से हम किसके लिए निकाल लेंगे, वाटर के लिए। वाटर के लिए क्या होगा हमारा, वाटर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, अब ऊपर रख देंगे वाटर का 90 अपॉन 18 अपॉन 10 अपॉन 180 प्लस 90 अपॉन 18। इस तरीके से मेरा मोल फ्रैक्शन वाटर का आ जाएगा। ये हमने मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकाल लिया, मोलेरिटी कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है मोलेरिटी की, मोलेरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात यह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है कितने हैं, ये आ जाएगा हमारा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे हम डेंसिटी से। डेंसिटी का जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, डेंसिटी क्या थी हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये थी हमारी डेंसिटी। तो अगर मैं वॉल्यूम को इधर लिया हूं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम हम सॉल्यूशन की निकाल लिए तो मास भी सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दे रखी है ये हमें, तो मास हमारा सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, वो तो हम 100% लेकर चल रहे थे भाई। सॉल्वेंट हमारा 90% है और ये हमारा सॉल्यूट 10% है, टोटल 100% ग्राम में कन्वर्ट कर लो इसको, तो 100 ग्राम लिख सकते हैं, नहीं 100 ग्राम अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरा डेंसिटी 1.2। ये आपकी वॉल्यूम यहाँ से आ गई। उसके बाद बस यहाँ पे सिंपल मोलेरिटी का फॉर्मूला लगाइए, मोलेरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन कितना 180 अपॉन 100 अपॉन 1.2, आपका ये मोलेरिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल है, यूनिट्स का खेल है, और जो डाटा दे रखा है उसको कलेक्ट करने का खेल है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको।
और जो आपको वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी आनी चाहिए बस, फिर आपकी कैलकुलेशन आपका साथ देगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी एम एल ऑफ 0.1 मोलर एस सी एल आर रिक्वायर्ड। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ के चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी एम एल ऑफ 0.1 मोलर एच सी एल आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3 कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ बोथ। ये कह रहा है हमें कितना एम एल, मतलब कितनी वॉल्यूम हमें चाहिए एच सी एल की, जिसकी मोलरिटी हमारी 0.1 मोलर। मोलरिटी लिख लेते हैं पहले, पहले जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेना चाहिए। मोलरिटी ऑफ एस सी एल कितनी दे रखी है इसको, इसने 0.1 मोलर इसने मोलरिटी दे रखी है। तो ये कह रहा है कि कितना हमारा वॉल्यूम चाहिए एस सी एल का रिएक्ट करने के लिए, किसके साथ, मिक्सचर है हमारा कोई 1 ग्राम मिक्सचर है किसका, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, और किसका मिक्सचर है NaHCO3, इन दोनों का मिक्सचर कितना दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है, और ये इक्विमोलर दे रखा है। क्या दे रखा है, इक्विमोलर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोबारा आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा कितना वॉल्यूम एच सी एल चाहिए इसके 1 ग्राम मिक्सचर के साथ मिक्स होने के लिए, मतलब रिएक्ट करने के लिए, अगर इन ये दोनों आपस में इक्वी मोलर होंगे। इक्वी मोलर का मतलब क्या है, दोनों के जो मोल्स अगर हम निकालेंगे तो मोल्स बिल्कुल इसके सेम आएंगे। इक्वी मतलब इक्वल और मोलर मतलब मोल्स। तो देखिए इसके अप्रोच कैसे लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बात ऐसी है कि इन दोनों का जो सम समक दे रखा है मिक्सचर का, वो कितना दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है। अगर मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया जो CO3 का हमारा मास है, या फिर वेट भी कह सकते हैं इसको, अगर मैंने कंसीडर कर लिया ये एक्स ग्राम है मेरा, कितना है एक्स ग्राम है, तो NaSCO3 का कितना हो जाएगा भाई, NaHCO3 अगर मैं यहाँ पे एक्स रखूँगा ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स ग्राम, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स ग्राम। अब निकाल लो इनके मोल्स, अगर मैं मोल्स की बात करूं Na2CO3 की, अगर मैं Na2CO3 के मोल्स की बात करूं तो क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास कितना है इसका एक्स दे रखा है आपको, और मोलर मास अगर मैं इसका निकालूंगा, सोडियम का क्या होता है मेरा 23 होता है, 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3 कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, ये इतनी बात आई समझ में। और अगर मैं इसके मोल्स निकालूं NaHCO3 अगर मैं निकालूं, मास कितना है इसका 1 माइनस एक्स, और इसका अगर मैं मोलर मास निकालूंगा तो इसका मोलर मास मेरा कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा मेरा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 × 3 कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, इतनी बात आई समझ में। अब ये जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं दोनों के, दोनों को इक्वल दे रखे हैं, मतलब हमें क्या दे रखा है, जो नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स NaHCO3, ये हमें दे रखा है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, क्या इंप्लाई करेगा, एक्स अपॉन 106 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84, ये इंप्लाई करेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा Na2CO3 और NaHCO3 की मास के एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है भाई इनका तो मिल गया मास हमें, लेकिन हमें मास मिलना चाहिए एच सी एल का, तो उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। रिएक्ट कौन कर रहा है, एच सी एल रिएक्ट कर रहा है दोनों के साथ, तो उसकी हमें पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन कैसा आएगी हमारी, इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए इक्वेशन कैसे होगी इसकी हमारी, मान लीजिए एन ए एच मैं पहले रिएक्ट करा रहा हूँ, Na2CO3 को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ, एच सी एल के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, दोनों में ही प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब अगर मैं बात करता हूँ Na2CO3 का मेरा कितना होता है, अभी निकाल के दिखाया था आपको 106 होता है,
106 और 2 HCl, एक HCl का कितना हो जाएगा, HCl का हमारा 35.5, हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 36.5 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये मेरा 36 इंटू 2 72, 73 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है, कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। अब बात ये है कि देखो ध्यान से देखो, ये हमारा 106 ग्राम जो है हमारा Na2CO3 कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, 73 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम के साथ। इसका मतलब ये है 106 Na2CO3 को कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करना पड़ रहा है, 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ जितनी वैल्यू आई थी हमारी, तो वो रख देंगे कि इतने ग्राम को कितने के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो कैसा आ जाएगा हमारा 73/106 मल्टीप्लाई जितना ये आएगा हमारा, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और वो आ जाएगा हमारा कि HCl हमारा कितना रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ, वो आ जाएगा मेरा, ये आएगा आपका लगभग 0.384 ग्राम, इतना आपका HCl आ जाएगा। इसी तरीके से NaHCO3 के साथ करेंगे, NaHCO3 के साथ अगर मैं करूँगा तो NaHCO3 प्लस HCl, वही बात क्या बनेगा, ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसमें भी सेम करूँगा, NaHCO3 का मेरा मास कितना होता है 84, HCl का कितना, एक का 36.5, तो देखिए 84 जो है मेरा 84 ग्राम हमारा 36.5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब 84 जो है कितने HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है 36.5 के साथ। लेकिन मुझे निकालना है ये जो वैल्यू आई थी 1 - x, जो x की वैल्यू पुट करके आई थी, तो क्या हो जाएगा मेरा 36.5 ये नीचे आ जाएगा 84 इंटू ये जो भी वैल्यू आई थी 1 - x की, इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 0.192, कितना आ जाएगा 0.192। तो बात ये है HCl जो है Na2CO3 के साथ हमारा इतना रिएक्ट कर रहा है और NaHCO3 के साथ हमारा इतना HCl रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल ग्राम जो HCl का क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 0.384 प्लस 0.192 कितना आ जाएगा हमारा 0.576 ग्राम, इतना आ जाएगा ये हमारा HCl, हमें इतना चाहिए था। ये हमारा कितना क्या आ गया, HCl जो हमारा वेट है, HCl का हमारा मास आ चुका है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो अब देखिए मोलरिटी हमें दे रखी है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन अपॉन मोलरिटी, एन क्या है हमारा मास, मतलब वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास अपॉन मोलरिटी, कितनी दे रखी है आपको, मोलरिटी दे रखी है आपको 0.1। इतनी बात आई समझ में, वेट हमने HCl का निकाल लिया कितना होता है 0.576 और इसका HCl का हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा मॉलिकुलर मास 36.5 अपॉन 0.1, ये निकाल लेंगे हम इसका वॉल्यूम, यहाँ से जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए कितने सारे मोड़ थे इस क्वेश्चन में, कितने सारे टर्न थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करना है और स्टेप्स इसके ध्यान रखने हैं कि पहले क्या कैलकुलेट किया हमने, कैसा फार्मूला अप्लाई किया, सिर्फ स्टेप याद रखो, क्वेश्चंस को मत रटो, क्वेश्चन को देखो किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है और क्या इसमें स्टेप हमने यूज़ किए हैं, बस स्टेप याद रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में जो PDF सेंड करूंगा वहां से परफेक्टली सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हैं। पहले आपसे मतलब ये मैं इस तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद ही सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं, बाकी मैं तो वहां पर देखने नहीं आ रहा भाई, आप पहले सॉल्यूशन देख रहे हैं उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है, मेरा जो सजेशन था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है मिक्स करने से 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, मतलब जो 300 ग्राम है हमारा सॉल्यूशन उसका 25% और 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ये कह रहा है कोई सॉल्यूशन हमारा कितने ग्राम का है,
300 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन है, मान लीजिए ए सॉल्यूशन मान लिया मैंने इसको, और बी सॉल्यूशन जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 400 ग्राम का, और कह रहा है कि 300 ग्राम का अगर मैं 25% लूँ उसको, वो क्या होगा हमारा एक सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट ए, और इसका कितना दे रखा है, इसका मेरा हो जाएगा 40%, इसका हो जाएगा सॉल्यूट बी, ये आपको दे रखा है। तो बात ये है कि हमें निकालनी है इसकी मास परसेंटेज, क्या निकालनी है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, सॉल्यूट की निकालनी है हमें, मास परसेंटेज ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन हमें निकालनी है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका, मतलब दोनों सॉल्यूशन की निकालनी है तो सॉल्यूट की भी निकालेंगे और सॉल्वेंट की भी निकालेंगे। तो देखिए मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी निकाल रहे होते हैं उसके मास ऊपर रखते हैं, बाकी नीचे टोटल कंपोनेंट का, टोटल सॉल्यूशन का मास रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका 25% निकालूं तो इसका 25% कैसा आ जाएगा, सॉल्यूट ए अगर मैं निकालूं, सॉल्यूट ए की अगर मैं बात करूं, इसका 25% निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, 25%। देखिए ऐसे भी इसको कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही देख लीजिए, 25% मतलब 25 अपॉन 100, और 300 का निकाल रहा हूं मैं तो 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 से 20 कट गए, कितना आ गया मेरा 75 ग्राम आ गया। अगर मैं सॉल्यूट बी की बात करूं तो सॉल्यूट बी कैसा हो जाएगा, मेरा 40% दे रखा है, 40% का मतलब 40 अपॉन 100, और 400 का निकालना है तो 20 से 20 कट गए, कितना आ गया मेरा 160 ग्राम। ये ऐसे भी देख सकते हैं इसको, अगर ये कैलकुलेशन ना करनी हो, 400 ग्राम है, 400 ग्राम मतलब 100%, और इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 40, और 40% मतलब 10% को 4 बार डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 4×4 मतलब 160 ग्राम। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी हमारा इतना आ गया, लेकिन टोटल सॉल्यूट कितना हुआ, टोटल सॉल्यूट तो जब इसको प्लस करेंगे तभी तो आएगा, कितना हो जाएगा 160 प्लस 75, कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 235 ग्राम, 235 ग्राम आपका टोटल सॉल्यूट आ गया। और अगर मैं बात करूं टोटल सॉल्यूशन की, तो 400 ग्राम ये है, 300 ग्राम ये है, सॉल्यूशन का ही तो वेट दे रखा है आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरा, 235 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना है, 300 प्लस 400 मतलब 700 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। और अगर मैं मास परसेंटेज सॉल्यूट की निकालूं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा मेरा, मास परसेंट 235 अपॉन 700 × 100, मतलब सॉल्यूट का ऊपर टोटल का नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आपका मास परसेंट सॉल्यूट की हो जाएगी। और अगर मास परसेंट मुझे किसकी निकालनी है, सॉल्वेंट की निकालनी है, टोटल कितनी होती है मास परसेंट, 100%, सॉल्यूट जो आएगा यहाँ पे 100% 100 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्वेंट की मास परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन था आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसका जो डाटा दे रखा है डाटा आपको लिखना है और उसके बाद उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा सा समझ के चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद होंगे तो आपके सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कह रहा है ये, इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है आपको। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, और इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं दे भी रखा है आपको, कितना दे रखा है, C6H6O2। इसका वेट कितना दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको वेट दे रखा है 222.6 ग्राम, इतना आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट दे रखा है। और ये किस में डिजॉल्व हो रहा है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, H2O। इसका वेट कितना दे रखा है आपको, 200 ग्राम वाटर में ये डिजॉल्व हो रहा है, ये सॉल्यूट हो गया मेरा, ये हो गया सॉल्वेंट। तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, सॉरी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी। और आगे कह रहा है अगर आपकी डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी, 1.072 आपकी डेंसिटी, तो इसकी मोलैरिटी भी बतानी है। तो देखिए डेंसिटी कितनी दे रखी है,
डेंसिटी दे रखी है आपको 1.072 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स आपको डेंसिटी दे रखी है। तो इसमें क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, इसमें मोलैरिटी और ये मोलैलिटी, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अगर मैं इसके C6H6O2 का मैं अगर मोलर मास निकालूं तो मोलर मास क्या आ जाएगा इसका, 12 × 6 + 1 × 6 + 16 × 2, कितना आ जाएगा इसका, 12 × 6 = 72, 72 + 6 = 78, 78 + 16 = 32, कितना आ गया मेरा 110 आपका इसका क्या आ गया, ये मॉलिकुलर मास आ गया। H2O का मॉलिकुलर मास आपको पता ही है कितना होता है, H2O का मॉलिकुलर मास होता है आपका 18 ग्राम पर मोल, इतना आपका H2O का मॉलिकुलर मास होता है, सॉरी ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये यहाँ पे बनेगा, दो ही तो कार्बन है ये, तो ये मैंने गलत लिख दिया, C2H6O2 बनेगा ये, ठीक है। तो अगर इसका मैं मॉलिकुलर मास निकालूंगा तो फिर यहाँ पर चेंज आएगा, 12 × 6 नहीं होकर 12 × 2 हो जाएगा, तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा इसका, 12 × 24 + 6 = 30 और 30 + 32 कितना आ जाएगा हमारा, 12 × 24 = 25, 24 + ये कितना आ गया 6 + 30 + 32 कितना आ गया हमारा, 30 + 32 = 62 आ गया हमारा ये इसका, ठीक है एक बार इसको चेक कर लेना आप, 62 आ गया हमारा ये। उसके बाद हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी हमको निकाल, देखिए मेन चीज़ आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मोलैलिटी हमें निकालनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे जाएंगे मेरे भाई, मान लीजिए ये 68 है मेरा मोलर मास और इसका कितना दे रखा है 222.6, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट ऊपर रख दो सॉल्यूट का, अपॉन मॉलिकुलर वेट 62 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब 200 ग्राम दे रखा है और केजी में इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 0.2 केजी आ जाएगा। तो 0.2 आपका इस तरीके से मोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मोलैरिटी निकाल रहा हूं तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब वही 222.6 / 62 और ये जो है हमारा अपॉन में क्या रखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम निकलेगी मेरी डेंसिटी से, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा भाई, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा 222.6 तो सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट कितना हो गया 200 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मास मेरा कितना है 222.6 और सॉल्वेंट का मास मेरा कितना है 200, कितना आ जाएगा 422.6, ये मेरा टोटल मास आ गया। तो डेंसिटी क्या है हमारी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, मास क्या है मेरा, मास आ जाएगा मेरा 422.6 और डेंसिटी कितनी है मेरी 1.072। जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन, द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास। देखिए लैंग्वेज को देख के कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत भारी भरकम लैंग्वेज इसने एग्जामिनर ने हमें डाल रखी है सिर्फ इसी वजह से कि बच्चा कन्फ्यूज हो और सवाल को इसको क्वेश्चन को स्किप कर दे। इसमें सिर्फ एक की पॉइंट पकड़ना है हमें, क्या दे रखा है, जो हमारा लेवल है कॉन्टेमिनेशन का वो कितना है 15 ppm, CHCl3 है हमारा और कॉन्टेमिनेशन का लेवल कितना है 15 ppm, मतलब 15 parts per million, मतलब 1 million में CHCl3 कितने परसेंट है हमारे 15। तो मास परसेंटेज हमें इसमें निकालनी है, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब 15% है और टोटल मास कितना है, किसमें प्रेजेंट है, 1 million में प्रेजेंट है, मतलब 10^6 में प्रेजेंट है और 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसका मास परसेंटेज आ जाएगा। तो पहला तो हमने ये निकाल दिया, उसके बाद क्या कह रहा है, मोलैलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलैलिटी किसकी, क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे हमारे,
नंबर ऑफ मोल्स भाई इसका जो क्लोरोफॉर्म का हमारा मास आ जाएगा, वो जो हमारा मॉलिकुलर मास आ जाएगा वो कितना आएगा, मास तो हमारा ये है 15, ठीक है भाई 15 ppm दे रखा है, तो इसका मतलब मास जो है हमारा, मतलब वेट, वेट हमारा अगर हम देखें CHCl3 का वेट है वो हमारा 15 ही तो है, क्योंकि 15 पार्ट्स पर मिलियन है, एक मिलियन में 15 हमारे कंपोनेंट है, मतलब 15 ग्राम इसका वेट आ गया। और अगर मैं मॉलिकुलर मास की बात करूँ CHCl3 का मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो 12 × 1 + 1 × 1 + 35.5 × 3 यह आ जाएगा मेरा 12 + 1 + 35 × 35.5 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105, तो एक हो गया ये 106.5 इतना हो जाएगा ये आपका। अगर इसको मैं करता हूँ कितना जाएगा 119.5, देख लेना आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, एक बार आप इसको चेक कर लेना। तो 119.5 आ गया इसका मास, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं निकालूँ CHCl3 मतलब कितना आ जाएगा 15/119.5 आ जाएगा। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो बात यह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप रख देंगे 15/119.5, वॉल्यूम कैसे रखेंगे, वॉल्यूम किसका, सॉरी मोलैलिटी है ना, तो वॉल्यूम नहीं आएगा, ये आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और वो भी केजी में आपका मास, ठीक है। तो ये आपका मास आना है, लेकिन बात ये है ये जो 10^6 है ये सॉल्वेंट का दे रखा है और सॉल्यूट कितना है हमारा 15 है, तो बात ये है 10^6 कितना होता है, इतना होता है 100,000 होता है, 100,000 में ये 15 हमारा सॉल्यूट है, तो जरा सा ही तो सॉल्यूट है, तो इसको हम इग्नोर मार सकते हैं। तो हम इस पूरे को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन अपनी आसान बनाने के लिए पूरे 100,000 को ही हम सॉल्वेंट का मास लिख लेंगे, मतलब पूरा सॉल्यूशन के मास को ही सॉल्वेंट का मास हम कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूट बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/119.5/10^6, लेकिन ये किस में है आपका, ग्राम में है, ग्राम में ही तो था भाई हमारा, हमें किस में करना है, किलोग्राम में, तो 10^3 से इसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा आपकी मोलरिटी ये आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट रोल डज द मॉलिकुलर इंट्रैक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर का जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन होगा उसमें क्या रोल प्ले होगा। तो बात यह है एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल क्या होता है C2H5OH, मतलब ये फिर ये तो एक कॉमन इथाइल एल्कोहल हो गया, एल्कोहल मतलब जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, और वाटर क्या होता है H2O, दोनों में ही पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो नए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड नया डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा वो वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पहले वाले की कंपैरिजन में वीकर होगी, जब वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब रॉल्टो में वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उसका लो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं कि वो हमारा क्या दिखाएगा, रॉल्टो का पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, किस वजह से, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, वीकेस्ट हो रही है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं, आगे जो वीडियोस मिलेंगी आपको उसमें 10-10 क्वेश्चन 3 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।